संजय राउत सर 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 श्री बैठिए बैठिए समाप्त हो गया। धन्यवाद सर। श्री संजय राउत सर कृपया महामहिम राष्ट्रपति जी के कार्यों के बारे में सदन में चर्चा नहीं करें कृपया। नहीं 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 करें। दही चीनी खिलाई मैं उसको अच्छी बात है। कृपया ये अंकित नहीं होगा। कृपया राष्ट्रपति जी के बारे में चर्चा नहीं करें अंकित नहीं होगा। राष्ट्रपति जी देश की संविधान की संरक्षक है, लेकिन राष्ट्रपति जी का जो भाषण है हमने सबने सुना ना, उस पर बोलिए। उसमें हर पन्ने पर झूठ ही झूठ है, हर पन्ने पर झूठ है। वैसे राष्ट्रपति जी अपने भाषण में कहते हैं, माननीय राउत साहब, भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है और गठबंधन की सरकार 6 दशक के बाद बनी है, ये गलत है। मोदी जी की सरकार अल्पमत की सरकार है। कृपया आपस में बात नहीं करें। माननीय सदस्य से बैठ जाएं। कृपया मोदी जी की सरकार अल्पमत की सरकार है। आपस में बात नहीं करें। मोदी जी के पास बहुमत नहीं है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मुक्त किया है। मोदी जी कांग्रेस मुक्त बैठ जाए, कांग्रेस मुक्त संसद और भारत की भाषा कर रहे थे, लेकिन देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को बहुमत मुक्त किया है। कृपया समाप्त करें। धन्यवाद। 400 पार शुरू नहीं किया, धन्यवाद क्या? 3 मिनट आपको 4 मिनट मिल गई। धन्यवाद क्या है? यही तो, इसीलिए तो हम बोलते हैं संविधान खतरे में है। ये आपने ये सीनियर मेंबर है तो सागर में सागर भर सकते हैं। आप 240 पर अटक गए, 240 में से 50 सीटें तो आपने चोरी की है। आपको बहुमत नहीं मिला है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, बिहार में। समाप्त करें माननीय सदस्य। 50 सीटें ऐसी है, समाप्त हुआ। बहुत ही कम मार्जिन से आप जीते हैं, समाप्त हुआ है। आप कोर्ट में मामला जाएगा। श्री मदन राठौर, श्री मदन राठौर कृपया भाषण।